आज हम बात करने जा रहे हैं एक यूनिक सिट्रस बेस्ड परफ्यूम के बारे में, जो कि एक टाइमलेस मास्टरपीस माना जाता है। ये 2006 में लॉन्च हुआ था और आज भी लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। 2007 में इसे बेस्ट परफ्यूम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। तो ये है हर्मस का टेरा द हर्मेस EDT। इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। ये है टेरा द हर्मेस EDT का बॉक्स। ये है फ्रंट साइड 100 ml। ये है बैक साइड। नीचे जो है आपका सीरियल नंबर, और यहाँ पे देख सकते हैं एनग्रेव्ड बैच कोड दिया हुआ है। ऊपर में हर्मेस का लोगो। तो ये जो बॉटल है ये 100 ml का है। ये 50 ml और 200 ml में भी आता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये यहाँ पे कैसे इसका जो कैप है उसे कैसे खोलते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये है दोस्तों बॉटल, है क्लासिक डिज़ाइन है। ऊपर ये सिल्वर कोटेड प्लास्टिक, ये है इसका कैप, जिसे आपने जैसे पैकेट में देखा। इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये स्प्रेयर निकलेगा। ऊपर में देख सकते हैं आप हर्मेस का लोगो, हर्मेस पेरिस। और इसका जो बैच कोड है वो बॉटल में भी एंग्रेव्ड है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ होता है। हाँ, ये देखिए, तो ये खूबसूरत सा बॉटल। और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, हर्मेस का एज का लोगो नीचे दिया हुआ है, येलो कलर कोटेड। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके सेंट प्रोफाइल से। ये जो परफ्यूम है ये बिल्कुल फ्रेश सिट्रसी सोपी वुडी नेचर का एक परफ्यूम है। इसका जो प्रोमिनेंट नोट्स है उसमें आपको ऑरेंज का फ्लेवर मिलेगा, संतरे का जो छिलका होता है उसका स्मेल मिलेगा, साथ में सिट्रस में आपको ग्रेप फ्रूट का नोट मिलेगा। ग्रेप फ्रूट का जो नोट है वो मतलब लेमन और बर्गामोट जैसा ही है। और इसके बाद आपको इसमें वेटिवर का नोट मिलेगा। वेटिवर जो होता है इंडिया में खस बोलते हैं जिसे, उसका नोट मिलेगा। लेकिन ये जो खस है इसमें, इंडिया का जो खस है उसमें हल्का सा स्वीटनेस भी होता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। जनरली फ्रेंच परफ्यूम्स में क्या करते हैं कि वेटिवर का वो प्रोसेस करते हैं और स्वीट जो फ्लेवर होता है उसको अलग करते हैं, और सोपी जो वेटिवर का जो कंपाउंड्स होते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ही इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसमें सीडरवुड का नोट है। तो ये जो सीडरवुड का नोट है वो अगर आप कारपेंटर शॉप में गए होंगे, लकड़ी का जो काम करते हैं वहाँ पे जैसा स्मेल मिलता है आपको, वैसा ही सीडरवुड का स्मेल है। और बैकग्राउंड में आपको पचौली का भी नोट मिलेगा, जो कि हल्का सा जो आरती एक नेचर देता है इसको। नोट्स ट्रांजिशन की बात करें दोस्तों, तो इनिशियली आपको सिट्रसेस का ब्लास्ट मिलेगा ग्रेप फ्रूट का, और साथ में आपको जो संतरे का छिलका का जो नोट है वो मिलेगा। और ये मतलब जो मिड होता है उसमें ही जाके आपको वेटिवर का जो सोपीनेस है या सीडर का जो नोट है लकड़ी वाला, वो आपको मिड में जाके मिलेगा। और बेस में जाके आपको जो सीडर का नोट है वो उभर के आएगा, और साथ में जो अर्थीनेस है पचौड़ी का वो भी आपको मिलेगा।
चलिए दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका जो स्मेल है वो अराउंड 3 फीट तक रहता है। जनरली आपके आसपास एक मतलब क्लाउड बना रहता है, जो आपके करीब आएगा उसको स्मेल डेफिनेटली मिलेगा। और इसका जो जो लॉन्जिविटी है ये मिनिमम आपको 6 आवर्स का लॉन्जिविटी मिलेगा। इंडियन के जो ह्यूमिड वेदर्स है, मुझे 8 आवर्स प्लस का लॉन्जिविटी मिलता है। वर्सेटाइलिटी और सीजन्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो परफ्यूम है हर्मेस ने इसको टारगेट किया है मैच्योर ऑडियंस के लिए। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा जो 30+ एबव के लोग हैं उनको, क्योंकि ये जो परफ्यूम है ये जनरली जो मास प्रीजिंग परफ्यूम है जैसे कि डायलन ब्लू वर्साचे का, उनसे थोड़ा अलग है। ये जो लोग खुद के लिए परफ्यूम पहनते हैं उनको ज़्यादा पसंद आएगा। और सीजन्स की बात करें दोस्तों, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा समर और फॉल के लिए। प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो ये परफ्यूम जो है ये 50 ml, 100 ml, 200 ml में जनरली आते हैं, और एक ट्रैवल पैक भी आता है अराउंड 12.5 ml का। तो ये 100 ml का प्राइसिंग अराउंड इंडिया में आपको 5000 के आसपास पड़ेगा। और आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है और आप सिमिलर एक परफ्यूम ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा रसासी का फतन। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये इन द ईयर काफ़ी अच्छा स्मेल करता है, लेकिन इसको अगर आप क्लोज स्मेल करेंगे थोड़ा सा शार्पनेस आपको महसूस होगा, और इसी कारण है ये जो इंडियन के ह्यूमिड वेदर्स है उनमें अच्छा परफॉर्मेंस ये देता है। और दोस्तों इसके 2-3 फ्लैंकर्स भी अभी है मार्केट में अवेलेबल, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। एक फ्लैंकर है ओविंटन्स वाटीवर, उसका भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, आपको ऊपर में लिंक मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि वाटीवर का जो नोट है, जो सोपीनेस है, वो हाई कर दिया गया है। पेपर का भी जो नोट है वो भी मिलेगा आपको। और दोस्तों पेपर से याद आया, इसमें एक नोट पेपर का भी है जो काफ़ी टोन डाउन है। और इसका और एक फ्लैंकर है दोस्तों जो है ट्रेस फ्रेश, तो वो जो परफ्यूम है दोस्तों इसमें आपको जो आर्थिनेस है, जो वाटीपर का नोट है वो लेस मिलेगा, एकदम समर फ्रेश आप बोल सकते हैं उसको। अगर आपको एक फ्रेश समर परफ्यूम चाहिए तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और एक वेरिएंट है परफ्यूम, ये जो परफ्यूम है ये क्लोज टू द स्किन रहता है, लेकिन इसका जो स्मेल है काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रोजेक्ट कम करता है इससे। ओवरऑल बैलेंस्ड एक परफ्यूम अगर पूछेंगे तो मैं ये EDT आपको रिकमेंड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक बार मुलाकात होगा किसी नई वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।